सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अगर आपका खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, आप चाहते हैं कि मेरा पहला का जो अकाउंट है मुझे परमानेंट डिलीट करना है, वो कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट अगर डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपका जो पासवर्ड है याद रहना बहुत ज़रूरी है, कैसे फॉरगेट करना है मैंने वीडियो बना रखा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जाना आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, सिंपली आपको यहाँ पर अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो गाइज, आपके फ़ोन में यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। आपको सिंपली पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जो थर्ड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको लास्ट में अकाउंट स्टेटस का, अकाउंट एंड कंट्रोल्स का, सिंपली वहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर डीएक्टिवेशन का ऑप्शन आ रहा है। आपको आईडी सिलेक्ट करनी है। आईडी सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ यहां पर लिख के आ रहा है डिलीट अकाउंट, सिंपली आपको डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन पूछ रहा है, इसमें से कोई भी आप एक ऑप्शन रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं यहां से समथिंग एल्स रख देता हूं और इससे कंटिन्यू करता हूं। जैसे ही मैंने इसको यहां पे कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद जैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है यहां पर पासवर्ड मांगता है, आपको अपना पासवर्ड कंटिन्यू करके यहां पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आपका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाएगा आपकी इंस्टाग्राम आईडी से। अगर आपको फिर से अगर लॉगिन करना है तो आप लॉगिन भी कर सकते हो। काफ़ी टाइम तक अगर आप इस आईडी को लॉगिन नहीं करोगे तो आपका अकाउंट है परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इस तरह का प्रोसेस फॉलो करके आप अकाउंट डिलीट कर सकते हैं।